करते हैं। लौकी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम लौकी लिया है और इसको छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स इसको हम बारीक कट कर लेंगे। घिया को इस तरह से गोल गोल कट करेंगे, ना तो ज़्यादा मोटा है और ना ही पतला है, तो सभी को एक साइज में इसी तरह से कट कर लें। सभी घिया को कट कर लिया है तो आप देख सकते हैं ज़्यादा ना तो मोटा है ना ही पतला है। तो अब हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें सभी मसाले डालेंगे, एक चौथाई हल्दी पाउडर डालें, एक चौथाई धनिया पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, एक चौथाई कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, एक चौथाई जीरा पाउडर डाल देंगे। और इस सब्जी का फ्रेंड्स सबसे मेन इन्ग्रीडियंट बेसन है। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे सब्जी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप जितना घिया लिए हैं उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सभी मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से मिलाना है फ्रेंड्स ताकि सारे मसाले अच्छे से घिया के ऊपर लग जाएं। आप चाहते हैं इसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, दही से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सभी मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे कुछ देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। तेल गर्म हो गया है तो अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और इसको अच्छे से टकने देंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्च लिया है और इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। सभी मसाले को अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें घिया डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ था। अब घिया को अच्छे से चलाते हुए मसाले मिलाएंगे और इसी तरह से चलाते हुए हमें 4 से 5 मिनट तक ये पकाना है ताकि सारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। और जो हमने बेसन डाला है उसका भी आपको कच्चापन का जरा सा भी टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि बेसन भी अच्छे से पक जाएगा। सब्जी को भूनते हुए लगभग मुझे 4 से 5 मिनट तक हो गया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच में पकाएंगे या लो भी आप करके पका सकते हैं जिससे कि घिया गल जाए। और ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाता है इसलिए हमें ज़्यादा इसको पकाने में समय नहीं लगता है। तो अब इसको हम ढक देंगे। सब्जी को चेक कर लेते हैं तो इसको ढके हुए मुझे लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है और पहले भी मैंने 1-2 बार मैंने चला लिया था। तो ये हमारी घिया की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है। फ्रेंड्स इस तरह से घिया की सब्जी बनाएंगे तो कोई भी खाने से मना नहीं करेगा और सभी को पसंद भी आने वाला है और जल्दी बन भी जाता है। तो अब इसे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। ये हमारे टेस्टी और चटपटे घिया की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से आप घिया की सब्जी बनाएंगे तो बड़े से लेकर छोटे तक भी खाना पसंद करेंगे। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। और फ्रेंड्स पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो साइड में छोटी सी घंटी है उसको भी प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह चटपटे रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह चटपटे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।